हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बिमला पांडे, स्वागत करते हैं आपका पांडे ब्लॉग में। भगवान, कल दिन भर बारिश, परसों रात से बारिश लगातार, आज भी पूरे दिन भर बारिश बारिश बारिश, पता नहीं इतनी बारिश कहाँ से आ गई। और ना लाइट है, अब पानी का भी डर लग रहा है, पानी भी टैंक ना पूरी खाली होने वाली है, पता नहीं कब खाली हो जाए। सुबह के बर्तन भी धुले हैं नाश्ते के, और दिन का लंच भी बन गया है, पुलाव जैसा बनाए हैं आज मैंने, क्योंकि बारिश बर्तन भी कैसे धोए और ना पानी का हो रहा, पानी तो है ही। फिर इसका पानी ऐसे बाल्टी लगा रखी हमने, ये कीचड़ का पानी प्योरीफाई कर रखा ही होगा इसने, यहाँ पे एक जुगाड़ बना रहा है, गंदा सा पानी इसके अंदर डाल के इसको प्योरीफाई कर रहा है यहाँ पे साफ पानी आ रहा है, ये जुगाड़ सिस्टम ही होगी इसका। यहाँ पे भी लगा रखा है एक तरफ, बाप रे बारिश ही बारिश, इतनी बारिश होगी यहाँ, भयानक की बारिश होगी बाबा हो, कैसे कम होगी छी, अब तो नीचे थी बारिश, बारिश बंद हो जाती ना हम वो तो करते, लाइट भी नहीं आ पा रही है, लाइट को भी पता नहीं, कल रात यहाँ बहुत तेज आधी तूफान इतने आ गए थे, बहुत तेज आधी तूफान आ गया था, तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कहीं वायर वायर टूट रखे होंगे, तब तो लाइट ही नहीं आ रही है। अब भी 2 बज गया है, ये बाप रे, भैया के पॉपुलर के पेड़ तो सब ढल गए हैं, पूरे नीचे नीचे के बीच बीच के पेड़ तो सब भी नीचे गिर गए हैं, इतनी बारिश में क्या नहीं होगा, ये पेड़ नहीं गिरेंगे क्या, नहीं गिरेंगे बहुत। अब ऐसे पानी से बर्तन हरतन धोने पड़ेंगे, यहाँ पे लगाते हुए यहाँ से आ रहा है ये अंदर, अब अंदर एक टैंक है, 3 जने हम, 3 फैमिली यूज़ करने वाले हैं उसको, अब वो पानी भी कहीं ख़त्म ना हो जाए, बाबरे बड़ी आफत है यार बारिश में। और हैंडपम्प का क्या हो रखा है, हमारा वाशर ख़राब हो रखा है, बहुत टाइम से हैंडपम्प चलाया नहीं था, इसका वाशर भी ख़राब हो रहा है, वाशर लगाना है, कैसे जाएं बाहर बारिश में, बाबा हो डर लग रहा, और ठंडा भी हो रहा है, क्योंकि वाशर चेंज होता तो हैंडपम्प का पानी वो हो जाता ना पीने के लिए, उसके लिए बर्तनों का ढेर लगा है, क्या करूँ मैं बाबा हो। योगेश का ये जुगाड़ सिस्टम पता नहीं कब तक काम करेगा, ये भी अच्छा सिस्टम कर रखा है उसने, इसके अंदर रुई रेता पता नहीं क्या क्या करके प्योरीफाइड पानी वगैरह, ये शुद्ध पानी हो। कल शाम 8 बजे से लाइट गई हुई, अभी 10 बजने वाला है, लाइट नहीं आई है, पूरा इन्वर्टर भी बैठ गया है, अंधेरा हो गया, ये बॉक्स ने भी तो खा लिया खाना है, हम लोगों ने नहीं खाया है अभी, क्योंकि बॉक्स ने सुबह से एक दिया जला रखा है यहाँ पे, पहले मैंने मोमबत्ती जला रखी थी, पहले जैसे करते थे हम लोग गिलास के ऊपर रख के, पूरा गिलास भी ऐसा हो गया है नया टेक्निक। और इतनी सारी बोतलें भरी थी मैंने लाइन से यहाँ तक, इतनी सब ख़त्म हो गई, मगर एक बोतल का पानी बचा था और सारी बोतलें ख़त्म, अभी होने को तो नल में भी इतना पानी आ रहा है, टैंकी का भी बचत करके चल रहे हम लोग। अभी धोए मैंने इतने ढेर सारे बर्तन ये, और क्या कहते हैं, अब शायद लग रहा है, उम्मीद है कि आएगी लाइट, पता नहीं कब तक आती है, बना रखा है मैंने ऐसे ही बनाया आज अंधेरे में, अंधेरे में शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बनाई है, रोटी भी बना के रख दी है, अभी खाना नहीं खा रखा है, लाइट आती तो खाते, बावरी ऐसा हो रहा ना, अभी इतनी बोतलें सारी भर के और रखूँगी, बाबा इतनी बोतलें भर के रखती हूँ फिर भी ख़त्म हो जाती हूँ, कल भर दी थी मैंने, बाबा हो बारिश का तो यहाँ से ऐसे हाल बेहाल हो गया है ना इस बार, कल परसों रात से लगातार बारिश है यहाँ लगातार, अभी जो जाके बारिश थोड़ा सा बंद हो रही 10 बजे को, क्या पता हो सकता है रात में हो जाए, आज हमने हैंडपम्प खोला 8 बजे तक हम हैंडपम्प का काम करने में थे, इसका वाशर ख़राब हो रहा था, दूसरा वाशर लाए मगर ना इस साइड का नट यहीं पे फंस गई, अंदर ही टूट गया ये, ये भी बवाला हो गया, तब भी ये नेट हैंडपम्प चला ही नहीं बैठ क्यों ऐसे चलता है, और नेट ही ख़राब हो गया, वाशर ढीला हो गया, हम काला पट्ट तो हो रखा, अभी रात को फिर से बारिश आती है, और इतना बड़ा भयानक सांप आया आज यहाँ पे, बाल बाल बचा तो राहुल ने देख दिया था यहीं पे गेट के पास, अब चले गया बाहर को, पता नहीं कहाँ को गया, बारिश की वजह से सांप ही सांप यहाँ से ऐसे ऐसे करके पता नहीं कहाँ को गया इधर को, मौसम तो ऐसा अभी भी बन रहा है, काला हो रहा है,
आलापट तो रात को भी बारिश होती है शायद, जगह जगह पानी भर गया है। बापरे खूबी हो रहा मौसम, ऐसा भयानक वाला हो रहा है इधर। दस बज गया, लाइट ही नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया पड़ा है। लाइट होती तो उजाला होता ना। अब डर जैसी लग रही सांप की, पता नहीं कहाँ से आ गया उतना भयानक काला पट्टा सांप। ये थोड़ा दीदी और के यहाँ पे जला है और सबके वहाँ बंद हो गई लाइटें। बहु इन्वर्टर भी कब तक साथ देगा, सब कुछ चलना है उससे। ये बॉक्स ही तो हमारा ऐसा बताता है ना, बॉक्स ही नहीं बताया था बाया करके ना। बाहर नहीं जा रहा हो टॉयलेट बाथरूम के लिए, डर डर ही रहती है उसको, डर लग रहा डर नहीं कीचड़ लग जाएगा करके, कीचड़ का डर है इसको, बस सिर्फ और सिर्फ कीचड़ का डर है, कीचड़ का डर है। क्या हो गया, चटक लगाओ तेरे को, चटक चटक का गिनने मोटे। चल तू शुशु करने के लिए जाएगा, इतने साफ साफ पैर हो रहे इसके, इतने साफ साफ पैर हैं, पैरों में मिट्टी लग जाएगी तो क्या होगा। ये इन मिट्टी भी लगती है, इनमें पॉटी भी लगती है, जाते हैं तभी तो। अब एक वॉशरूम अंदर बनाना पड़ेगा इसके लिए रे, अंदर ही करेगा हग्गू पॉटी, फिर अपने वॉशरूम में जाएगा हैं। इसको बाहर जाने में इतनी घिन क्यों है, इसने सुबह से, आज सुबह गया है टॉयलेट बाथरूम, तब से गया ही नहीं, अभी शाम के समय जब सांप आया तब गया, तब भी क्लीन क्लीन हो रखे इसके पैर, छाप छाप बड़े छाप छाप, इतने अच्छे पैर, बॉक्स के सुंदर सुंदर पैर। मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, हेलो करो, अरे हेलो कर भी रहा है आज, अब भी ढेर सारा भात तो खाया इसने आज सुबह से, अब भी खा रहा है भात तो। हेलो हेलो, अरे यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। गंदा बच्चा है हमारा, गंदा बच्चा ये हमारा, गंदा बच्चा है रे ये हमारा गंदा। ओ ये कपाव में क्यों रोयो, पानी लगा है मैं का, पानी लगा है, पानी सो जाओ। बारिश की वजह से रोटो में भी जगह जगह इतना पानी भर रहा है। बाप रे, ये बाप हो, ये रोड है, यहाँ पे घर है, अंदर भी कैसे जाते होंगे लोग, बाहर निकलना भी दुश्वार, इतना पानी भर रखा है। बाबा हो पांडे जी और योगेश किसी की गाड़ी ख़राब हो रखी है, वहाँ पे चले गए ठीक करने के लिए, देखने के लिए क्या हो रहा करके। पानी लेके गए हैं, पानी डाल रहे हैं अभी उसमें गाड़ी में, देखते हैं कब तक ठीक होती है। बाप रे गर्म गाड़ी के अंदर, योगी जा रहा शायद कहीं पानी भरने हो, उनकी ड्यूटी लगा दी। पांडे जी तो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक ही है वैसे, करनी भी चाहिए मदद करा हुआ कहीं पे, अब अपने काम पे आता है। अभी भी वो भैया पता नहीं कौन है कहाँ के हैं, वो बेचारे भी परेशान थे, तो इसलिए पांडे जी ने सोचा कि आज हो रखा है गाड़ी में, इसलिए उनके गाड़ी को देखने के लिए चले गए वहाँ पर ठीक कराने के लिए। अब लगता है उसमें समय लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगता है। है तो हल्द्वानी नंबर की गाड़ी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रखी है, गाड़ी में भी पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आ रखी है, शायद फैमिली भी है शायद साथ में। अब देख रहे हैं अभी तो पांडे जी, 10-15 मिनट हो गए हमें भी यहाँ वेट, और गाड़ी पता नहीं ठीक होती है नहीं होती, क्या पता कोई सर्विस वाले को बुलाते हैं, देख रहे हो अभी, अगर उनके वश का नहीं हुआ तो वो तो आ जाएंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा। अभी कोई और आ गए, वो भी रुक गए हैं। बाप रे अभी तक सही नहीं हुई इनकी गाड़ी, रास्ते में ऐसे गाड़ी ख़राब हो जाए ना अच्छा जैसा भी नहीं लगता है, सुदासी जैसी होगी। लोग तो मदद के लिए रुके रहे हैं बहुत से लोग, जानी क्या ख़राब हो गई गाड़ी में ना, जैसे हम पहाड़ को जाते समय एक बार हमारे साथ हुआ था, पानी डालेंगे सब पानी बह के सुर नीचे आ जा रहा था, वैसे हो रहा, पता नहीं कौन सी दिक्कत आ रही है इनकी गाड़ी में भी, बहुत ज़्यादा परेशान है। फैमिली भी है ना साथ में, फैमिली हो साथ में तो दिक्कत ही होती है। अब देख रही हूँ पता नहीं कौन आए हैं, फिर कोई भैया और आ गए हैं शायद वहाँ पे, उनकी भी गाड़ी रुक गई है अभी शायद, वो भी देख रहे हैं पांडे जी, लोग भी देख रहे हैं
अब हमें भी घर जाना था, टाइम भी बहुत हो रहा है, पता नहीं कितने टाइम के बाद सही होती है गाड़ी। पांडे जी को धन्यवाद बोल रहे हो, दूसरी गाड़ी भी मंगा दिया उन्होंने। ठीक हो गई गाड़ी, अच्छा अब उनके ससुर जी की गाड़ी आ गई, बल बच्चे अब उसमें जा रहे। कहाँ जाना था इनको? चकलुआ। हल्द्वानी से भी आगे जाना था इनको चकलुआ। बच्चे फैमिली थी ना तब परेशान हो रहे थे, इसलिए पांडे जी ने भी थोड़ा मदद करी, धन्यवाद बोले। गाड़ी तो खराब ही होगी, सर्विस सेंटर जाएगी ना गाड़ी? ससुर जी आए हैं अब उनके ले जाने के लिए, उनको ससुर जी ने गाड़ी दे दी है। अच्छा ससुर जी ने दे दी बल गाड़ी उनको, अब उनकी गाड़ी उनके ससुर जी ले जाएंगे, यहाँ मायका होगा उनका। हेलो अक्षी, हेलो कैसे हो? बढ़िया। अच्छा खाना नहीं खाया आज? नहीं खाया, भूख को नहीं लग रहा, इसको लग रहा है। हेलो बक्सु, हेलो हेलो बक्सु बक्सु, हेलो करो, हेलो हेलो नहीं करेगा, हेलो कर दे, हेलो कर दे खिजिए। खुद ही करना है इसको, नहीं करूँगी, हेलो करो फिर। गंदा बच्चा हो गए, गंदा बच्चा हो गए, खुद ही करो, खुद ही करो, खुद ही करो, खुद ही करो, खुद ही शैतानी, शैतानी का शैतानी। अब ये लगता है ना इसको कहीं से आ रहे हैं तो कुछ लेके आए होंगे। मोमोज, मोमोज खाएगा? नहीं मोमोज नहीं 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 लाई हूँ आज मोमोज, बहुत बिगड़ गया। रोज रोज मोमोज और चाउमीन ये चीज़ें खाने की आदत का हो गया है। गंदा रोज सोता है, मोमो लेके आएगी, मोमो मोमो खाने इसका। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। मोमो नहीं, रोटी भात तो सब्जी खाएगा, मोमो उसको खाने वाली चीज़ है, पेट में दर्द होती है उससे। गुस्सा देखो, मोमो नहीं लाई है करके गुस्सा भी आ जाता है। नखरे तो धोटे की आवाज है रहे बॉक्सर, ये इसके नखरे पिटाई लगेगी अब। हाँ मोमोज खाए गए, मोमोज 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 खाए गए।